शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे वाह, तेरे तो कमाल ही कर दिया। आखिर रोहन को किस कर ही दिया? लो, ये ताज तो हो गया, अब आगे का खेल खेले। अब आई ना सीटी की बारी, छुट्टी क्या चुनोगे? हम तो ज्योति चुनेंगे, लाओ हमें भी दो। मम्मी, पता है क्या है? इसमें लिखा है कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताओ। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच तो तुम हो शिवांश। हम तुम्हें बहुत बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। हम तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकते, एक दिन भी नहीं। I love you. शिवांश, फिर से बोतल घुमाओ, अब देखते हैं किसकी बारी। हाय, अब तो हमारे शिवांश की बारी है। चलो शिवांश, बोलो तुम क्या चुनोगे, सच या साहस? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बताइए शिवांश, क्या डेर? हम तो डेर ही चुनेंगे। सच क्या है ये कौन जानता, किसको पता? लेकिन डेर में जो करते हैं वो सबको दिखाई देता है साफ साफ। भाई वाह, बात तो बिल्कुल सही की। तो फिर उठाओ पर्ची, हम भी तो देखें कितना साफ मन से आप साहस करते हैं। शिवांश, क्या लिखा है? जल्दी बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है पर्ची में। इसमें लिखा है, अपनी बीवी को किस करके अपने प्यार का इजहार करो। चलो शिवांश, जल्दी जल्दी आ जाओ। शर्मा रहे हो? हम आग बंद कर लेते, चलेगा ना? चलो। दादी दादी, इधर बंद आती है। अच्छी वाली आंटी और अंकल तो मेरा घर ढूंढ रहे थे। अरे ये बच्चा कौन है? इसका नाम हनुमंत है, ये हमें मंदिर में मिला था। किसका बच्चा है ये और आप इसे घर लेकर क्यों आ गई हैं? वो ये पंडित जी का बेटा है। पंडित जी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसे यहाँ घर पे ले आती हूँ। ये कितनी अजीब बात है, कोई ऐसे इतने छोटे बच्चे को कैसे छोड़ के जा सकता है अकेले? पर इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं?
चाची का हमारा स्कूल में सेंसिटिव कॉम्पिटिशन था, मैं हनुमान बन के जाने वाला था, पर मैं स्कूल बस छूट गई और पता नहीं मैं कैसे खो गया। अच्छा अच्छा, अब आगे की कहानी हमें बाद में सुना लेना, अभी ना पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, हमें पूजा भी करनी है। अरे लेकिन पूजा करने के लिए हमारे पास फूल कहाँ है, और इस पौधे के तो सारे फूल मुरझाए हुए। ये फूल बेटा हम तुम्हें देंगे, लेकिन पहले देवी को भोग चढ़ाना है। हाँ बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को ही भोग लगा दिया। रोहन ये क्या कर रहे हो? बहुत खुश हूँ ना, रॉबर्ट में सिलेक्शन हो गया, आप अकेली जा रही हो? अकेली जा रही हो, लेकिन हम दोनों ने तो साथ में अप्लाई किया था ना रोहन, ये सोच के कि हम दोनों साथ में जाएंगे। I'm sorry, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन तुम भी तो नहीं चाहोगे ना कि हम इतना बड़ा मौका छोड़ दे। शर्मी हम क्या चाहते हैं क्या नहीं, इसके बारे में कभी तुमने सोचा है? पता और एक हम इतने बड़े बेवकूफ हैं सच में, तो देखो अब स्वार्थी भी हो रहे। जब नहीं हमने शिवांश को अपनी किडनी दी ये सोचकर कि तुम उसकी चिंता छोड़ोगी और अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, इसी शर्त पे हमने तुमसे शादी की कि तुम अपने सपने पूरे करोगी। रोहन सपने ही तो पूरे करने जा रहे, आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, तुम यही तो चाहते हो ना? हमें तो लगा था कि तुम बहुत खुश हो गए ये खबर सुनकर, तो अब अचानक क्या हो गया, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सपने चाहते हम भी यही थे कि तुम इस घर से इस परिवार से दूर चली जाओ ताकि पढ़ सको, अपने करियर में आगे बढ़ सको, अपने सपने पूरे कर सको, लेकिन तब तुम ही ने हमें रोका था। क्यों आज तुम्हें माँ की चिंता नहीं? यार जब शादी के बाद हमने तुमसे कहा था कि चलो इस घर से चलते हैं, तब तुम ही ने हमें रोका था ये कहकर कि माँ अकेली रह जाएंगी। फिर जब ये घर नीलाम होने लगा तो हमने इस घर को खरीदा था ये सोचकर कि चलो कम से कम तुम अपनी माँ के साथ रह सकोगी। सबने तुम्हारी खुशी के लिए हम इतने समय से शिवांश के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और तुम पहला मौका मिलते ही हमें छोड़ के चली जाओगी। क्यों अब तुम्हें माँ को छोड़कर जाने में कोई एतराज नहीं, या फिर हमें छोड़कर जाने में? रोहन तब अम्मा जी और शिवांश माँ से बात नहीं करते थे, लेकिन आज माँ परिवार के साथ है और शिवांश उनको उनकी गलतियों का एहसास हो चुका है। हाँ शिवांश, हम तो भूल ही गए थे, तुम्हारी और शिवांश की दोस्ती हो गई, तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो गई, इसी खुशी की वजह से तो वो
बाहर सबको गुड़ खिला रहा है, है ना? सब कुछ ठीक हो गया है रोहन, और तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी और शिवांश की दोस्ती हो चुकी है, अब तुम्हें हमारी जरूरत क्यों होगी, है ना? तो इस बात से हमें खुश होना चाहिए। शबनी, हमने अपनी पूरी दुनिया पलट दी थी तुम्हारे लिए, अपने किडने दिए, घर खरीदा, ना जाने क्या क्या, और तुम पहला मौका मिलते ही इस रिश्ते से दूर चली जाना चाहती हो। शबनी, जहां तक बात रही सपनों की, तो सपने तो तुम यहां रहकर हमारे साथ पढ़कर भी पूरे कर सकती हो ना, इंडिया में। सही कहा तुमने, सपने तो यहाँ पे पूरे किए जा सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम रोहन, हम नहीं जाएंगे। अब या तो श्रद्धा अपनी सबसे बड़ी भक्त और अपनी प्यारी सासू मां को मरने दे, या खुद उस भारी भरकम बड़े से घंटे के नीचे आगे टंग। बस श्रद्धा का प्लान कामयाब हो जाए, ये रोशनी हमारे घर से निकल जाए। अरे वाह मम्मी, आपके हाथ की चाय ही तो चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो तप करने मंदिर। मंदिर तुम्हारी मम्मी गई है तपस्या करने। क्या, पर मम्मी क्यों गई है? अरे देवी श्रद्धा की परम भक्त अगर तपस्या नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? बिचारे इस उम्र में भी क्या क्या करना पड़ रहा है उन्हें, कोई ऊंच नीच हो गई उनके साथ तो। सोचनी, मेरी माँ को अगर कुछ भी हुआ ना तो। ये धमकी तुम्हें देवी श्रद्धा को देनी चाहिए थी, जो अपने परम भक्त के लिए पुण्य प्रदान करने का आइडिया लेकर आई। खैर ये सब छोड़ो, तुम चाय पियो। मैं मरता तुम्हारे हाथ से पानी ना पियो। चलो निकलो मेरे कमरे से, धक्के खाने की तुम्हें आदत हो गई है ना। मैंने कहा निकलो मेरे कमरे से। अबे भाई, ये तेरी देवी श्रद्धा है ना? हाँ यार, ये ऐसे क्यों भाग रही है? हाँ वीडियो बना। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते।